In this video, we will find the electrostatic potential in the plane of the charge ring. Okay, so here we have a charge ring with the charge per unit length is equals to lambda. ठीक है, एंड हमको इस चार्ज रिंग के कारण पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट बी. ओके, सो फर्स्ट वील कंसिडर डिफरेंशियल चार्ज, ओके, विद डायमेंशंस आर डी फाइव. ओके, एंड वील फाइंड द पोटेंशियल टू दैट डिफरेंशियल चार्ज एट पॉइंट बी. ओके, सो डी वी विल बी इक्वल्स टू के इन टू द वैल्यू ऑफ दैट डिफरेंशियल चार्ज विल बी इक्वल्स टू लेमडा इन टू आर डी फाइव डिवाइडेड बाई बी सी. सो दिस इज बी सी. Okay, so now we can find this BC with the help of cosine law, that is capital R square plus small r square minus 2 capital R into small r into cos of angle between this capital R and small r. So this is, that is cos phi. So we'll get dV. Okay, now we'll take capital R square common from denominator. ठीक है, तो R ही बचेगा and numerator में भी R है, so R से R cancel हो जाएगा. Okay, so we'll get differential dV is equals to this. Now we'll use Taylor expansion. ओके, एंड नाउ विल एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन. एंड जैसे आप एक्सपैंड करोगे एंड इस होल स्क्वायर वाले टर्म को ओपन करोगे, हमारे पास आर एच पर फोर एंड आर एच पर क्यू वाले टर्म्स आएंगे एंड वी निगलेक्ट दिस टर्म्स. ओके, सो विल गेट दिस डी वी. ओके, एंड नाउ विल इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू फाइव बिकॉज स्मॉल आर इज कॉन्स्टेंट. ओके, सो द लिमिट्स ऑफ फाइव विल बी फ्रॉम जीरो टू टू पाई. ऑल्सो डी फाइव की लिमिट्स पुट करेंगे हम, सो विल गेट टू पाई है. एंड यहाँ से 2 पाई आएगा, ऊपर नीचे 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. एंड इसमें हम कॉस फाई की इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी इक्वल टू साइन फाई. एंड व्हेन वी विल पुट लिमिट्स 0 टू 2 पाई, तो ये टर्म 0 ही आ जाएगी. सिमिलरली कॉस स्क्वायर फाई को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास साइन 2 फाई बाय 4 प्लस 5 बाय 2 आएगा. एंड जैसे लिमिट्स पुट करेंगे, हमारे पास ये साइन वाली टर्म 0 आ जाएगी. सो विल गेट दिस. एंड जैसे हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो विल गेट द पोटेंशियल इज इक्वल टू के लैम्डा पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 small r square by capital 2 r square. So this is the expression for the potential at a distance r from the center in the plane of the ring.